गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज में मेरा क्वार्टर टू का ऑप्शन बाइंग में मैंने कितने ट्रेड्स किए, कितने लॉसेस किए, कितने प्रॉफिट्स किए, उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैंने ऑप्शन बाइंग है वो अराउंड अप्रैल मंथ में शुरू किया था, और वो मैंने क्यों किया था, सबसे पहला रीज़न था कि मैं एक स्टॉक ट्रेडिंग करता था, तो उसमें जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे चार्जेस भी इतने बढ़ते जा रहे थे कि मतलब समझो अगर मैं महीने का 1 लाख का रिस्क भी ले रहा हूँ, अराउंड समझो एक दिन का मैं 1 लाख का रिस्क ले रहा हूँ, ओके। सो एट द एंड मैं अगर 20 डेज ट्रेडिंग डेज को मैं ट्रेड भी करूँ तो मेरा ये जो 1 लाख का चार्ज है ना वो कंपलसरी लगने ही वाला है, अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूँ या ना करूँ, या जितना मेरा रिस्क है, समझो एक दिन का मैं 1 लाख लिया और अगर मैं 20 डेज ले रहा हूँ तो ये 1 लाख का तो एडिशनली ये चार्ज लगने ही वाला है, ठीक है। सो इसके वजह से मेरा थोड़ा इम्बैलेंस भी हुआ कि नहीं, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर देखो मैं 1 लाख चार्जेस भर रहा हूँ, ठीक है, पूरे 12 मंथ्स, तो अराउंड वो 12 लाख हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 12 लाख हो जाएंगे तो एट द लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव में देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इतने बड़े ट्रेड्स तो नहीं लिए जो कि 1 लाख के मेरे दिन के रिस्क हो, पर एट द लॉन्ग ये मुझे नहीं हो सकता। मैं 12 लाख अगर, क्योंकि मैं अगर समझो 20-30% भी मैं निकाल पा रहा हूँ मेरे कैपिटल का, तो ये 50% मेरे टैक्सेस खा जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने स्टॉक ट्रेडिंग बंद करके मैंने एक ऑप्शन बाइंग में वापस शुरू किया। मैंने शुरू किया ही था एक्चुअली 2022-23 में, मैंने वीडियो भी डाला था जब मैंने 10,000 कैपिटल को मैंने ग्रो किया पूरे एक साल में। सो वो अराउंड 130% बना था, बट बहुत ही तभी तो एक ऐसा बिगनर लेवल में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स को रिपीटिवली करते जा रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, मेरे प्रॉफिट्स बन रहे थे पर लूजिंग स्ट्रिक्स लाइन में कंटिन्यूस आते रहते थे, ठीक है। सो लूजिंग स्ट्रिक्स आना गलत बात नहीं है, पर जितनी लूजिंग स्ट्रिक्स आती है एक लेवल के बाद है ना, आपको पता है कोई बात नहीं, आप मेरा प्रॉफिट में इसको कंटिन्यू कर लोगे, पर जब जब लूजिंग स्ट्रिक शुरू होती है ना तब तक आपके पैसे लॉस नहीं होते, पर आपकी जो साइकोलॉजी होती है ना उसका भी ड्रॉडाउन होता है। तो साइकोलॉजी अगर आपकी टॉप मोस्ट लेवल पे हुई तो आप क्या कर सकते हो, आप आगे भी समझ सकते हो चीज़ों को, आप एक अच्छे माइंड से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने वो इम्प्रूवमेंट किया थोड़ा, मैंने ऑप्शन बाइंग को वापस एनालिसिस किया, मैंने क्रिक्स को समझा। सो अगर बात किया जाए ऑप्शन बाइंग की, सो ये है मेरा कोटक का अकाउंट जिसमें मैंने अराउंड समझो 2,000-3,000 का रिस्क लेता था पर डे। सो अगर मैंने गेंस देखोगे 2,000, रुको मैं डेरिवेटिव्स करता हूँ स्पेसिफिकली, और मंथ करते हैं हम अप्रैल से, ओके, क्योंकि मैंने अप्रैल से शुरू किया था और ये जून एंड तक। सो अराउंड मुझे ये रहा, ये डेरिवेटिव सेक्शन है, ये ऑल है, ये इक्विटी में भी मैंने ट्रेड करता था तो वो थोड़े है। सो अगर सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो अराउंड नेट पीएनएल मेरा 21,500 का लॉस का है, ठीक है, उसमें से मैंने चार्जेस भरे 1,500, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। ये 3 महीने के चार्जेस है और ये कुछ भी नहीं है वैसे तो। सो बहुत अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐसा स्टेप वाइज, सो देखो लॉसेस भी अच्छे हुए थे, प्रॉफिट्स भी किए थे, वापस लॉसेस भी किए थे, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या भी हो रहा था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है मुझे मंथ मई में, जब भी मैं प्रॉफिट्स तो कर रहा था पर लॉसेस है ना वो कंजर्वेटिव होते जा रहे थे, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगी तो मेरा ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ठीक है, मैं ऐट द मनी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐट द मनी में करता हूँ, तो ऐट द मनी कितना मूव होएगा तो मुझे टारगेट मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट आ जाता था अगर मैं इंडेक्स देखोगे तो 150 पॉइंट, पर ऑप्शन में नहीं आता था, तो मुझे समझता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीक्स की नॉलेज नहीं थी और मैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड करना शुरू किया। सो फिर मैंने ये सब कुछ एनालिसिस किया कि कौन से ग्रीक्स लेने चाहिए, कौन सा एट द मनी लेना चाहिए, अगर एक्सपायरी है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सो वो सब एनालिसिस करते करते 3 महीने में अगर नेट बात किया जाए तो 21,000 का डेंट हुआ है, ठीक है। पर अगर इसकी बात किया जाए, इज़ इट रियली बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल की बात नहीं है, इट इज़ रीजनेबल, आई कैन अफोर्ड दिस लॉस, मैं 50,000 तक अफोर्ड कर सकता था, पर ये 21 में क्यों हुआ, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो भी काम आया, कि मतलब एक सिंक होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो ना उसकी एक रूट वैल्यू होता है, तो वो रूट वैल्यू भी मुझे समझी थी, ओके।
सो ऑप्शन बाइंग का रूट वैल्यू यही था कि सबसे पहले ग्रिक्स समझो, ठीक है। अगर आपका, अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, बैंक निफ्टी धीरे धीरे मूवमेंट करके 150 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो कैसे बढ़ने वाला है, और बैंक निफ्टी अगर बहुत फास्ट मोमेंटम करके 150 पॉइंट्स ऊपर जाता है तभी आपका ऑप्शन का प्राइस कैसे बढ़ने वाला है, वो चीज़ समझने के लिए मुझे अराउंड 3 महीने लग गए हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझी, बहुत कुछ चीज़ें नई रिकग्नाइज हुई, और फिर जाके मैंने बैंक निफ्टी में धीरे धीरे अपना मनी इनिशिएट किया, ट्रेड किया, रिस्क मैनेजमेंट शुरू किया। सो अगर इसको देखोगे, सो अगर देखो यहाँ पर ये है, अभी मंथली में बताता हूँ। सबसे पहले अप्रैल में तो इतना लॉस नहीं हुआ क्योंकि वो मैं ट्राई एरर, और आप बोल सकते हो बिगनर लक, बिगनर बिगनिंग में देखो कैसे प्रॉफिट्स होते थे, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में बिगनिंग में प्रॉफिट्स हो रहे लगे थे, ठीक है। सो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ईजी है। फिर सबसे बड़ा डेंट आता है मई में, जो कि था 17,000। अनएक्सपेक्टेडली अगर आप लॉसेस देखोगे 2,500, 2,000, 2,800, 2,400, और प्रॉफिट की बात करोगे 2,000, 2,300, 2,000, 2,500। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट्स भी, मैं लॉस बड़े ले रहा हूँ तो प्रॉफिट कम ले रहा हूँ, नहीं इक्वली ले रहा था। पर आप ये लॉसेस के दिन देखो, लॉसेस के दिन इतना क्यों बढ़ते गए। फिर मुझे है ना क्या हुआ, मुझे गुस्सा भी आने लग गया था ट्रेडर्स पे कि क्यों हो रहा है ऐसा। अभी एक एक टाइम तो ऐसा भी आया था बैंक निफ्टी ने कहाँ पर मोमेंटम भी नहीं किया, वो एक रेंज में रह गया। मतलब एक समझो मैंने 10 बजे ट्रेड लिया होगा, 10:15 को मेरा स्टॉप लॉस आ गया, उसने हार्डली 50-30 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया होगा तो भी। क्योंकि सबसे बड़ी गलती अगर मैं बताऊँ वो थी, मुझे अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो एट द मनी के अलावा मुझे तो पता नहीं कि कैसे प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 150-200 पॉइंट्स में पकड़ रहा हूँ तो वो स्कैल्पिंग नहीं होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग 5, 10, 15, 20 पॉइंट्स होती होगी। सो उसमें ऐसी चीज़ होती है कि अगर समझो आप प्रीमियम है ना, अगर समझो जब बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बताऊँ एक एग्जांपल, तो जब ये था इलेक्शन था तभी प्रीमियम्स है ना एट द मनी के 500, 600, 700, 800, 800 के प्रीमियम्स मिलते थे। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार 800 के प्रीमियम्स तो मैंने कभी एट द मनी लिया ही नहीं है, तो मैं जाके जो 200 रुपये वाला प्रीमियम है ना उसको लेके मैं ट्रेड करता हूँ। अगर इसको आप ट्रेड लेते हो तो आपको क्या समझना पड़ेगा, इसका डेल्टा क्या है, ठीक है। डेल्टा समझेगा मतलब क्या, कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मोमेंटम देता है तो ऑप्शन का प्राइस वो कितना मोमेंटम देगा। एट द मनी का अगर आप डेल्टा देखोगे, तो चलो मैं एक बार लाइव भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग को पता होगा ये सब चीज़, पर ये मेरी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का एट द मनी 52,300, देखो मार्केट ने 52,300 के आसपास ही क्लोज किया है। तो उसका डेल्टा देखोगे तो ये क्या है, 0.51। मतलब क्या 0.51, मतलब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर मोमेंटम देती है, ठीक है, तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो 51 रुपीज़ से मूव करेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से मूव करेगी तो ये 102 पॉइंट से ऑप्शन का प्राइस मूव करेगा, ठीक है। सो ये ना जस्टिफाई करता है डेल्टा। तो अगर आप क्या सोच रहे हो, कह रहे यार 440 का तो प्रीमियम बहुत महंगा है, तो मैं क्या करता हूँ 200 के पास चले जाता हूँ, 200 का ओके मैं चला गया यहाँ पर, इसका डेल्टा देखो 0.30 है। मतलब क्या, मुझे पता है कि देखो मैं एट द मनी ट्रेड करता था तो 200 पॉइंट चलो मार्केट मूव हो गया तो मेरे तो 60 पॉइंट ही बन रहे हैं, बनने चाहिए थे 102 पॉइंट जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, तो मेरे 60 पॉइंट ही बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सोचूंगा नहीं यार मुझे तो रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा टारगेट तो आया ही नहीं है। पर बैंक निफ्टी को देखता हूँ जब, अरे वो तो 200 पॉइंट्स मोमेंटम उसने कर दिया है और मेरा ये ऑप्शन मूव ही नहीं हो रहा है इतना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप क्या करोगे, आप रुकोगे और तो मार्केट होगा रिट्रेस होगा, फिर साइडवेज होगा, ठीक है। साइडवेज जैसे ये हुआ, ठीक है, आपका ये जो 60 पॉइंट आपको जो मिला था ना जब ये मोमेंटम पे, वो सीधा जाके 20 हो जाएगा, ठीक है, 20, 10। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, जो कि मेरी बिगड़ी थी एट द मंथ ऑफ मे। तभी ऐसे लॉसेस हो रहे थे कि इतनी वॉलिटिलिटी की वजह से मैं क्या करता था, मैं एट द मनी से ओटीएम में भाग जाता था कि यार प्रीमियम इतने महंगे नहीं हो सकता। तो ये गलती को मैंने रिपीट करके मैंने समझा, मैंने ग्रिक्स को पढ़ा कि ग्रिक्स कैसे मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मोमेंटम होता है, उसको फिक्स करते करते ऑलमोस्ट एक क्वार्टर लग गया, 3 महीना,
ठीक है। सो अभी मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि ऑप्शन बाइंग में मेरा टाइम तो दुश्मन कभी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम वैल्यू होती है, वो प्रॉब्लम देती है। नहीं नहीं वो कभी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अगर होगी भी ना, तो होगी मेरी गलती होगी कि मैं, या तो मेरी ट्रेड रॉन्ग थी, या तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया, या तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। टाइम वैल्यू को मैं कभी भी ब्लेम नहीं करूँगा कि टाइम वैल्यू की वजह से मुझे लॉसेस हुए। वो कभी, ये देखो जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में, अभी मुझे पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा इसका, पर टाइम वैल्यू को जो मैं कोसता था, वो मेरा रिजल्ट रीज़न नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को जस्टिफाई की, मैंने उस चीज़ को समझा। तो अभी क्या होगा, अभी मैं जो भी ट्रेड करूँगा वो सेटअप बेस्ड ट्रेड होगा, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड होगा। और जिसको भी पता नहीं है कि मैं कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस हंटिंग यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सो मुझे ये नहीं चाहिए कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके 100 पॉइंट जाए, या ब्रेकडाउन करके 200 पॉइंट नीचे चला जाए। मुझे मार्केट में चाहिए सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 पॉइंट्स का मोमेंटम। मेरा स्टॉप लॉस भी यही पॉइंट के होते, मैं 1:1 रिस्क को फॉलो करके ही अभी तो इनिशियली चल रहा हूँ। ठीक है, और चलूँगा ही। जब भी मैं एक प्रॉफिटेबल बन जाता हूँ, मैं इसको लॉस करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करके, या तो उसको इनक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। तब तक कुछ नहीं। ठीक है, और अगर SL&T की बात की जाए, तो जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाने की, तो मैं वहाँ नीचे नहीं, मैं बाई करूँगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ अगर मैं बताऊँ, बहुत लोग को लगेगा कि ये तो YouTube पे ऑलरेडी चल रहा है कि आप रिवर्स करो, ये करो। नहीं, मुझे इतना पता है कि मैं जब भी बाई करता हूँ, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ब्रेकआउट पे बाई करता हूँ, सो मार्केट ऊपर तो जाता है, पर ऊपर कब जाता है, मेरा पहला स्टॉप लॉस लेगा फिर ऊपर जाएगा। तो मैंने यही शुरू कर दिया कि मार्केट को एक होराइजन की तरह देखूँगा, कि जब भी मार्केट टेम्प्ट करके ऊपर जा रहा है कि मुझे बाई करूँ मैं, वरना यहाँ से बहुत फास्ट भाग जाऊँगा, तभी जाके मैं सेल करूँगा और मुझे मार्केट नीचे जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। पर अगर मार्केट स्लो स्लीडली जा रहा है, ठीक है, तभी मेरा डिसीजन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब भी मार्केट बुलाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, एक फोमो क्रिएट करता है कि मैं इतना फास्ट चला जाऊँगा कि तुम्हें ना देखते रह जाओगे पर मुझे पकड़ नहीं पाओगे, तभी जाके मैं सेल करूँगा और उसको रिवर्स करूँगा। क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे पोजीशन बनाता है कि यहाँ पर ना ग्रीन कैंडल्स बनाने लगे, एक एग्जांपल की तरफ मैं बताता हूँ, यहाँ पर लोग, बहुत लोग है ना, ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर बाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से उनको फोमो होगा कि यार ये मार्केट तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उनका क्या होगा, जब भी उन लोग ये जितने भी देखो अभी स्मार्ट रिटेलर्स ऐसे हो गए लोग कि जो भी है ना रिटेलर है, वो ये भागती कैंडल में पोजीशन दे बनाते, वो पुल बैक बनाते, या तो कोई एक सेटअप ढूंढते कि कहाँ पर हो सकता है, मतलब समझो इसका रिट्रेसमेंट, इसका 50% रिट्रेसमेंट हो तो वो यहाँ कहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वो क्या करेंगे, जब मार्केट रुकेगा तभी ही बाइंग इनिशिएट करेंगे, वरना वो कभी भी बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। तो जैसे वो बाई करते हैं वैसे मार्केट उनको निकालता है। ठीक है, ये जो है वो प्योरली एसएल हंटिंग है। यहाँ पर लोग फोमो की वजह से आ गए, तो आप बोलोगे तो ये क्या है पता है, यहाँ पर जो सेल करके आए थे, यहाँ पर जो सेल करके बैठे थे, ठीक है, वो उसको निकाला मार्केट ने, उनको निकाला, तो जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देख के लोग भागने आ गए, मार्केट ने वापस उनको निकाला। तो यहाँ पर जैसे उनको निकाला तो यहाँ पर क्या आएगी, वापस सेलर आएगी कि यहाँ पर चलो अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है तो अभी वापस थोड़ी ना इतना ऊपर आएगा, तो वो क्या करेंगे, वो अपना यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, मार्केट वापस ऊपर आएगा। सो मार्केट क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोग एडवांस होते जा रहे हैं, मार्केट भी इतना ही एडवांस होते जा रहा है। क्योंकि मार्केट अगर एक बड़ी होराइजन की बात किया जाए, तो बड़े एसएल्स है ना, मार्केट एसएल हंटिंग, ये प्योरली मार्केट एसएल हंटिंग करता है। जो जगह पे बायर ज़्यादा बढ़ जाते या तो सेलर ज़्यादा बढ़ जाते, वो जगह को क्या करते, मार्केट उसको खाने की कोशिश करता है। बायर ज़्यादा बढ़ गए तो सीधा बायर्स को स्टॉप लॉस देके उनको निकालना है मार्केट को। ठीक है, सेलर्स को प्रॉफिट होगा, सेलर ज़्यादा बढ़ गए तो बायर्स को प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट को है ना, मार्केट खुद के पास कुछ भी पैसे नहीं रखता। मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, ठीक है, तो मैं लॉस कर सकता हूँ या तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, या तो आप लॉस कर सकते हो या तो मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी है मार्केट की। सो इसके वजह से तो पॉइंट क्या था,
मार्केट में जितने एडवांस लोग होते गए इतना ही मार्केट एडवांस होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से मेरे अपने थिंकिंग भी, अपने स्ट्रेटजीज़ भी, अपने जो इंडिकेटर से तो मैं दूर ही रहना शुरू कर दिया हूँ। देखो इंडिकेटर गलत नहीं होते, ठीक है, पर मुझे इंडिकेटर की आदत बन गई है। फिर वो कैसा हो गया कि अगर मार्केट में इंडिकेटर ना हो तो मुझे श्वास लेने की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे प्योरली प्राइस समझना है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मार्केट भागा जा रहा है तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये भाग जाएगा, मिस आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। पर अगर मार्केट समझो स्लो जा रहा है, देखो यहाँ पर स्लो स्लोली जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो लोगों को क्या करने पड़ता है, लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये स्लो जा रहा है तो मतलब यहाँ पर सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्लो मोमेंटम होता है वो किसको पसंद है, हमें तो फास्ट मोमेंटम चाहिए, क्योंकि उनको पता ही चल गया है कि मार्केट फास्ट ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो इसकी वजह से जब भी स्लो जाता है तब लोग सेल करने का कोशिश करते हैं। और वो यहाँ पर देखोगे ये ब्रेकआउट अच्छी तरह से कंफर्म हुआ और इसने बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर गया मार्केट। सो लोग बोले कि यार ब्रेकआउट तो चल रहा है, वो हमेशा चलेगा, पर कभी जब मार्केट स्लो मोमेंटम करके ऊपर जाएगा ना तभी चलेगा। फास्ट मोमेंटम करके ऊपर जाएगा वो इतना ही फास्ट नीचे आएगा, वो 100% होने वाला है, ये मैंने 3 महीने में देखा है, ठीक है। सो वो अभी तो मैं इतना कुछ बता नहीं सकता कि वो कैसा है, क्या है, चलने वाला है, पर ये 3 क्वार्टर आगे के जो होने वाले हैं, यस, तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कि एक क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर वो कैसा मेरा हो सकता है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि डज इट मतलब ये चला कि नहीं चला, ठीक है। सो अगर लॉस की बात किया जाए तो 21,500 इज़ द लॉस फॉर दिस क्वार्टर एंड इट्स ओके, सीखने मिला, समझने मिला, ठीक है। अगर बात भी किया जाए तो मेरा ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में मुझे 10,000-5,000 का लॉस हुआ है, जितने भी लॉस हुए हैं इतने मैंने प्रॉफिट भी करने के लिए होल्ड किए थे। देखो यहाँ पर है 5,000, 3,000, 3,000, 3,000, ठीक है, और यहाँ पर लॉस देखो कि 2,400, 2,900, 2,300, सो लॉसेज को मैंने मिनिमाइज़ किया है, प्रॉफिट को मैंने इंक्रीज़ करने की कोशिश की है, ठीक है, पर इतने लेवल तक नहीं गए जितने मैं होने चाहिए सेटिस्फाइड, ठीक है। और बात किया जाए ऑल इक्विटी और डेरिवेटिव्स को मिला के, सो एक माइनर लॉस है, जो इतना इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम मोस्टली डेरिवेटिव्स में ही काम करेंगे। सो ये था हमारा क्वार्टर टू का जो कि ऑप्शन बाइंग का रिज़ल्ट। सो आई होप आगे के रिज़ल्ट अच्छे हो और मैं रोज़ अपडेट करते जाऊँगा कि अभी फ्रॉम कल से जो कि है जुलाई 1, सब अपडेट करते जाऊँगा कि मैंने कैसे ट्रेड लिए, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या लॉस किया। सो ये क्या मुझे हेल्प करेगा कि मेरे लॉसेस को एनालाइज करने के लिए और कॉन्फिडेंटली मैं बता पाऊँगा और एक ट्रैक कर पाऊँगा, और जो लोग मुझे देख रहे भी है उनके लिए भी इजी होगा, क्योंकि मैं लॉस कर रहा हूँ तो आपको वो लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे सीख सकते हो, ठीक है, आप कोई नई गलती कर सकते हो, पर मैं जो गलती कर रहा हूँ वो आप गलती करोगे तो वो डबल लॉस हो गया ना, मेरा तो लॉस हुआ पर आपका भी साथ में लॉस होगा, ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूँ, ये मुझे तो एज अ ट्रेडिंग चैनल हेल्प करेगा ही, पर आपको क्या हेल्प करेगा कि मेरे जो गलती की है वो ना करो, और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू। ये था मेरे आज का एनालिसिस फॉर द क्वार्टर 2।